हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक साउथ कोरियन मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है दी ग्रैंड शेफ। कहानी शुरू होती है 5 साल पहले एक कंपटीशन से, जब वो नाम जंग का हेड डिसाइड किया जा रहा था। यहाँ पर प्रतियोगी सुंग और उसके सीनियर पोंगचू को गोल्डन ब्लोफिश से एक डिश प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है। तो आती है रिजल्ट की बारी, जिसमें रेस्टोरेंट के हेड, जो कि पोंगचू के ग्रैंड फादर भी थे, और बाकी सारे क्रिटिक्स दोनों की डिशेस टेस्ट करने के लिए आए हुए होते हैं। सबसे पहले पोंगचू की डिश प्रेजेंट की जाती है, एंड उसकी डिश फ्लावर शेप में प्लेट की गई थी, जो दिखने में बहुत सुंदर थी। जितनी सुंदर वो दिखने में थी, उतनी ही टेस्टी वो खाने में थी। सभी क्रिटिक्स को उसकी डिश बहुत पसंद आती है, एंड क्योंकि वो करंट रेस्टोरेंट हेड का ग्रैंडसन भी था, इसलिए क्रिटिक्स उसकी काफी शुगर कोटेड तारीफ भी करते हैं। नेक्स्ट बारी आती है सुंग की। इसकी डिश क्रेन बर्ड के शेप में प्लेट की गई थी। बोले उसके डिश की भी तारीफ करते हैं, पर में से एक बोलता है, मैं एग्री नहीं करता, इस डिश का एक आफ्टर टेस्ट भी आ रहा है, शार्प ब्लेड की तरह। और उसके बाद ही बाकी क्रिटिक्स उल्टियां करने लगते हैं। जैसे ब्लू फिश में पॉइजन होता है, जिसे कुक करते वक्त ध्यान से निकालना पड़ता है, पर ये पॉइजन सुंग के डिश में प्रेजेंट था, और क्रिटिक्स को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। सुंग को समझ नहीं आ रहा था कैसे कैसे हो गया। उसने पूरे ध्यान से सारे पॉइजन को अलग किया था, एंड वहां पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कैसा करने के बाद भी पॉइजन कैसे आ गया। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एज ए रिजल्ट उसे रॉयल रेस्टोरेंट से निकाल दिया जाता है। आज प्रेजेंट में जापान से लोग आते हैं कोरिया में एक नेशनल कॉन्टेस्ट करने, जहाँ पर वो जीतने वाले को एज अवार्ड रॉयल शेफ का नाइफ देंगे। दरअसल जब जापान के देश ने कोरिया को कॉलोनाइज किया था, तो वहाँ के राजा ने खाना त्याग दिया, जिस वजह से रॉयल शेफ ने भी खाना बनाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि जब खाने वाला ही नहीं है तो बनाओ किसके लिए, एंड ताकि कोई जापानीज कॉलोनाइजर उन्हें फोर्स ना करे खाना बनाने के लिए, इसलिए वो नाइफ से अपनी हाथ काट लेते हैं। एंड इसीलिए इन्हें एक ऐसे शेफ की तलाश है, जो इस नाइफ का असली हकदार बन सके और इसकी देखभाल कर सके। एंड किसी भी शेफ की नज़र में इस नाइफ की वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्टर जिनसू अपने किसी अंडरकवर प्रोजेक्ट में जेल में बंद हो जाती है, तो उसे उसका सीनियर लेने आता है। एंड अब ऑपरेशन सक्सेसफुल रहने पे उसका सीनियर उसे एक पास के रूरल रेस्टोरेंट में रीड दिलवाने ले जाता है, और ये रूरल रेस्टोरेंट और किसी का नहीं बल्कि सुंग का ही था। रॉयल रेस्टोरेंट से निकाले जाने के बाद वो अपना खुद का प्रोड्यूस बिजनेस चलाता है, और सुंग अपने घर में अपने बूढ़े ग्रैंडफादर के साथ रहता था। उसकी खुद की कॉ भी थी, एंड उसके ग्रैंडफादर की उम्र की वजह से उन्हें भूलने की बीमारी हो गई थी, इसलिए वो जिनसू को पहले तो खुद एनर्जी ड्रिंक देते हैं, एंड जब जिनसू उसके सीनियर का विदा लेने का समय आता है, तो वो उसे चोर भी ठहराने लगते हैं, इसने मेरी एनर्जी ड्रिंक छीन ली। सुंग को इस बारे में पता था, इसलिए वो बुरा नहीं मानता। वहीं हम देखते हैं जिनसू को सुंग का खाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो अगले दिन नेशनल कॉन्टेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म में सुंग के लिए लेकर आती है, पर सुंग उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो वो पूरे टाइम उसे आगे पीछे तंग करती है कि चुपचाप इसे साइन कर दो, एंड उसके बिजनेस पे भी आकर वो टांग अड़ाती है। सुंग उसे कहता है, क्या तुम्हें बिजनेस बर्बाद करने आई हो। जिनसू कहती है, इसे साइन कर दो, मैं चली जाऊंगी। तभी दूर से एक लेडी आती है सुंग को सन इन लॉ पुकारते हुए, और पूछती है, आखिर तुम मेरी बेटी से कब मिलने वाले हो। सुंग कह रहा था, मैं तो हमेशा से यहीं रहता हूँ, आपकी ही बेटी है जो बिजी रहती है, जब वो आएगी तो मैं बहुत जल्द उसे मिल लूंगा। इसके बाद जिनसू और सुंग साथ ही छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जहाँ सुंग को उसका पुराना दोस्त दुख मिलता है। जैसे दुख सुंग के साथ रॉयल रेस्टोरेंट में काम करता था, उसके जाने के बाद पोंगचू दुख को बहुत बुली करता है, इसलिए उसने जॉब क्विट कर दी, और फिर उसे लकीली उसकी वाइफ मिली, एंड दोनों ने शादी की और अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया। दुख सुंग को देख कह रहा था कि तुम तो बहुत अच्छा कुक करते थे, तुम्हें स्टार्ट ओवर करने के बारे में सोचना चाहिए, मुझे विश्वास है तुम बहुत आगे जाओगे। पर यहाँ भी सुंग अपने दोस्त की बातों को हवा में उड़ा देता है, पर तभी जिनसू उसे कहती है, तुम एक गलती के लिए अपने आप को दोबारा चांस क्यों नहीं देना चाहते, तुम्हें एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। और वो उसे एक फॉर्म देकर चली जाती है। इसके बाद एक आदमी सुंग से आके पूछता है, क्या तुम डिलीवरी का काम करते हो, मैं तुम्हारा पुराना ट्रक लोड खरीद लूंगा। यह आदमी असल में पोंगचू का असिस्टेंट था, जिसका नाम था वो। सुंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, पर डिलीवरी कहाँ करनी है। वो कहता है, वो नाम जंग। वह जाते हुए सुंग को बहुत सारी मेमोरीज आने लगती है, जब वो यहाँ पहली बार आया था, उसे रेस्टोरेंट के हेड अपने साथ लेकर आए थे, और उसने पहली बार में ही अपनी कुकिंग स्किल से सबको हैरान कर दिया था, और पहले दिन से ही पोंगचू उसे जलने लगा था। उसे वहां देख पोंगचू कहता है, रॉयल शेफ की नाइफ मिल चुकी है, उसके लिए सही हकदार ढूंढा जा रहा है, तो तुम वापस क्यों नहीं आ जाते, रॉयल किचन में तुम मेरे अंडर काम कर सकते हो, और यही तो तुम्हारा सपना भी था ना। सुंग कहता है, मेरा सपना था यहाँ का बेस्ट शेफ बनना। पोंगचू पूछता है, कैसे बनोगे, लोगों के खाने में पॉइजन करके। सुंग कहता है, यह हमेशा से झूठ था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे रॉयल रेस्टोरेंट का नाम खराब हो, और मैं चाह तो नहीं रहा था नेशनल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना,
पर अब मैं जरूर लूंगा और तुम्हें गलत साबित करके दिखाऊंगा। उसके बाद सुंग पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ उसके ग्रैंडफादर ने एक पुलिस वाले के बाल पकड़ रखे थे और फिर से वो यही कह जा रहे थे कि प्लीज मुझे अरेस्ट कर लो, मैंने किसी का खून किया है। सुंग उन्हें वहां से ले जाता है एंड हमेशा की तरह सुंग सुबह सुबह निकल जाता है, पर इस बार वो नेशनल कॉम्पिटिशन की तरफ जा रहा था। उसके एक और दोस्त होता है यो, जो उसकी कॉम्पिटिशन में हेल्प करना चाह रहा था, लेकिन उसकी वाइफ मना कर देती है ये बोलकर, वैसे इस फील्ड में बहुत काम है, पहले वो निपटाओ। भैया सुबह ही घर से भाग जाता है सुंग की हेल्प करने और उसकी वाइफ उसका पीछा करते रह जाती है। कॉम्पिटिशन में कई सारे शेफ्स आए हुए थे एंड पहले राउंड की शुरुआत होती है। सब अपने अपने डिशेज पे काम करने लग जाते हैं एंड पाउंग जू की डिश हमेशा की तरह जजेस को बहुत पसंद आती है। इसके बाद वो सुंग के काउंटर पे जाते हैं और उसे पूछते हैं, तुम्हारी वजह से हम बार बार मरने से बचे हैं, क्या तुम्हें लगता है तुम इस कॉम्पिटिशन में आना डिजर्व करते हो? सुंग पोलाइटली आंसर करता है, मैं वापस शुरुआत से करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। इसके बाद जजेस उसके डिश टेस्ट करते हैं, एज अ रिजल्ट दोनों पाउंग जू और सुंग की डिशेस सिलेक्ट हो जाती है। जब वो वहां से बाहर निकलते हैं तो यह देखता है कि वो तो उनके ट्रक का टायर लूज करा था, तो वो उसके पीछे भागता है। पर फिर दोनों को रियलाइज होता है कि वो दोनों आपस में जानते हैं, तो दोनों खुशी से उछलने लगते हैं। रात को यो सुंग उसके ग्रैंडफादर से मिलकर डिनर कर रहे थे और सुंग अपने ग्रैंडफादर के कहने पे उन्हें हेरिंग बना के देता है, पर वो खाने से मना कर देते हैं ये बोलकर कि हेरिंग नहीं है, मुझे हेरिंग खाना है। और वहां से उठकर वो चले जाते हैं। तभी यो की वाइफ उसे ढूंढते हुए सुंग के घर आती है एंड यो डर के मारे छुप जाता है। वो सुंग से पूछती है, क्या तुमने यो को देखा? तो सुंग मना कर देता है। तो वो पूछती है, तो ये खाना ऐसे क्यों रखा है? वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में उसे बताता है एंड यो की वाइफ कह रही थी मे बी वो टैरो शूट्स की बात कर रहे हो, मेरे ग्रैंडफादर भी टैरो शूट्स को हेरिंग खा करते थे, बट एनीवेज तुम्हें यो मिले तो उसे घर भेज देना। तभी से उसे इशारा करता है कि यो वहां पर छुपा हुआ है। अगली इस बार कॉम्पिटिशन का नेक्स्ट राउंड में वो एंटर करता है एंड अंदर जाकर वो देखता है कि पोंग जू जजेस से कह रहा था, उसे देखते ही सब अपने अपने रास्ते ले लेते हैं। तभी कॉम्पिटिशन की शुरुआत होती है और सुंग को टास्क किया जाता है ब्लो फिश बनाने का। सुंग बिल्कुल टेंशन में आ गया था। तभी पोंग जू उसे कहता है, इसे छोड़ दो और इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाओ, मेरे असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हो, ब्लो फिश ने पहले एक बार तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। पर सुंग हार नहीं मानता और एग्जैक्ट वैसे ही डिश बना के प्रिपेयर करता है जैसा उसने 5 साल पहले बनाई थी। सारे जजेस उसे कह रहे थे, तुम्हारा दिमाग खराब है जो तुम फिर वही डिश बना रहे हो, हमें इसे कोई टेस्ट नहीं करेगा। सुंग बहुत रिक्वेस्ट करता है पर कोई नहीं मानता। ये देखकर पोंग जू को वो दिन याद आ जाता है जब उसके ग्रैंडफादर ने उसे कहा था कि अगर उसे उनकी जगह आना है तो उसे किसी भी हाल में सुंग को हराना होगा। इसलिए पोंग जू छिपकर जब सुंग किचन से बाहर जाता है तो उसके डिश में पॉइजन ऐड कर देता है, यानी इन सबके पीछे पोंग जू का हाथ था। कॉम्पिटिशन कमेटी कहती है कि हम सुंग को तब तक डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते जब तक वो इसकी डिश टेस्ट ना कर ले, लेकिन सब ने ऑलरेडी उसकी डिश टेस्ट करने से ही मना कर दिया था। तभी जिनसु आती है और कहती है, अगर कोई भी टेस्ट कर ले और जिंदा बच जाए तो चलेगा ना? और वो डिश टेस्ट करती है, फिर सबके सामने एक्टिंग करती है जैसे डिश में एक्चुअली पॉइजन था, लेकिन एक्चुअली वो बस एक मजाक था। इसके बाद सभी संघ की डिश को टेस्ट करते हैं एंड वो आगे के राउंड के लिए भी सिलेक्ट हो गया था। एंड इस इंसिडेंट के बाद उसके अंदर का डर भी खत्म हो जाता है। वहीं फिर यो के घर अचानक वो पता जाता है, उसे कहता है, तुमने जो मुझे मिलिट्री के दौरान एक रेमन खिलाया था उसका टेस्ट मैं आज तक नहीं भूला, क्या तुम प्लीज मुझे उसे सीक्रेट बता सकते हो? पर यो को याद नहीं आता कि उसने ऐसा स्पेशल क्या किया था, उसने बस नॉर्मली रेमन कुक किया था। बट वो किसी उसकी वाइफ के उसको बार बार कहने पर वो से अपना फायदा निकलवा लेता है और उसे फील्ड प्लो करवाता है। और जब फाइनली रेमन बनाने की बारी आती है तो बारिश हो जाती है। रात में वो रेमन के स्पेसिफिक टेस्ट के लिए मार भी खाता है, पर जब उसे फाइनली उसके हाथ में रेमन खाने को मिलता है तो वो वैसा टेस्ट नहीं करता जिसकी तलाश में वो था। वो अगले मिनट ही उसके घर से चला जाता है। इसके बाद कई सारे राउंड्स होते हैं और स्टेज पे सिर्फ 4 फाइनलिस्ट आके खड़े हुए थे, जिनमें से पोंग जू और सुंग दोनों सिलेक्ट हो चुके थे। अगला राउंड होता है जिसमें चारकोल की मदद से खाना बनाना था। इसके लिए सभी को समय दिया जाता है अपने लिए बेस्ट चारकोल ढूंढने का। वो नाम जंग में बेस्ट चारकोल एक आदमी बनाता था जिसका नाम था हान। तुक की मदद से सुंग और जिनसु हान से मिलने जाते हैं, बट हान फिलहाल प्रिजन में था। वो लोग उससे मिलने जेल में जाते हैं और पूछते हैं, हमें आपका चारकोल बनाए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन के लिए चाहिए, प्लीज हमारी मदद करिए। बट हान साफ मना कर देता है, कहता है अगर तुम लोग मुझे चेन से मरने नहीं दोगे तो मेरी आत्मा तुम्हें डराएगी। वो लोग बाहर निकल जाते हैं एंड तभी वो लोग देखते हैं कि पोंग जू भी वहाँ मौजूद है। पूछने पता चलता है कि वहां से ही अपने चारकोल का जुगाड़ करवाने आया था। पोंग जू हान को समझाने के लिए जेल की कैफेटेरिया में डांस भी करवाता है और उसे बार बार अच्छा खाना ऑफर करता है कि वो उसे चारकोल बनाने का तरीका सिखाए। हान को बहुत गुस्सा आया था एंड वो पोंग जू की नाक को काटने लगता है। और दोनों को अलग करने के चक्कर में जेल में राइट फैल गई थी जिसमें हान को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। इसके सुंग एंड टीम हान की मदर को जेल से बाहर आते हुए देखते हैं। वो कई सालों से रोज अपने बेटे से मिलने आती थी बट हान उनसे कभी मिलता ही नहीं था।
सुंग उनसे अकेले बात करता है, उसे पता चलता है कि संग की मॉम की बहुत छोटी उम्र में ही उनके हस्बैंड के डूबने की वजह से मौत हो गई थी। फिर उन्हें बहुत फोर्स किया गया दूसरी शादी करने के लिए, इसलिए उन्होंने हान को उसकी दादी के पास छोड़ दिया था। हान रोज उसके घर आके स्वीट पोटैटोस खाता था जो वो चुरा के उसके लिए रखती थी। उसके हस्बैंड को पता नहीं था कि उसकी बीवी का बेटा है, तो उसे चोरी करने के लिए रोज मारा करता था। वही हम जान पाते हैं वही हान रोज अपनी मदर से मिलने 4 घंटे पैदल चल के आता था, और एक दिन उसकी मदर अपने हस्बैंड के साथ वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। बट जाने से पहले उन्होंने एक लास्ट फूड पॉट उसके लिए छोड़ दिया था। फिर वो माउंटेन्स पे जाके रहने लगा और वहाँ चारकोल बनाने लगा। कई साल बीत गए और उसे अपनी मॉम की खबरें मिली, तो एक दिन वो उन्हें दिखाने आया कि कैसे वो दुनिया का बेस्ट चारकोल बनाता है। उसकी मॉम के घर का नजारा कुछ और ही था। उनके हस्बैंड उन्हें बुरी तरह मारे थे, एंड ये देख हान को बहुत गुस्सा आता है एंड वो उसी चारकोल से उनके हस्बैंड का मर्डर कर बैठता है। नेक्स्ट सीन में सुंग हान को अपने घर के बनाए हुए वही स्वीट पोटैटोस देता है जिसे खा के उसका दिल भराया था। अब उसे चारकोल का सीक्रेट बता देता है, उसे वो जगह भी बताता है जहाँ से वो लकड़ियाँ काटता था, एंड उनसे ही बेस्ट चारकोल बनके तैयार होते हैं। फिर क्या, सुंग उसकी टीम लग जाती है बेस्ट चारकोल बनाने में। बट अनफॉर्चुनेटली जब सुंग और जिनसू किसी गांव से बाहर जाते हैं तो पोंगजू के लोग आके वो सारा चारकोल चुरा ले जाते हैं। यह तो कोशिश तो बहुत करते हैं पर चारकोल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। एंड अगले दिन ही कॉम्पिटिशन का राउंड था, एंड इस राउंड में सबसे बेस्ट चारकोल पोंगजू का ही था। सुंग क्वालिफाई तो कर जाता है बट अब अगर नेक्स्ट राउंड में उसने क्वालिफाई नहीं किया तो फाइनल्स में नहीं जा पाएगा। तो उसको बहुत अफसोस था कि वह सुंग के चारकोल की प्रोटेक्शन नहीं कर पाया, लेकिन वो उसे किसी भी हाल में नेक्स्ट राउंड में जितवाना चाह रहा था। नेक्स्ट राउंड था परफेक्ट बीफ तैयार करने का। वह क्रॉस कंट्री कई जगह जाते हैं बस उनको कोई भी कॉप पसंद नहीं आती, उनमें से किसी में भी वो बात नहीं थी जो वो ढूंढ रहा था। दुख फ्रस्ट्रेटेड होकर पूछता है तो आखिर तुम ढूंढ क्या रहे हो, और तभी उसे वो कॉप दिखती है जिसकी उसे तलाश थी। तो बोलता है हम तो फालतू में इतने घूमे, परफेक्ट कॉप तो तुम्हारे घर पर ही है। तो ये उसे अकेले में जाके समझाता है ये क्या बोल रहे हो। उस कॉप को सुंग अपनी बहन की तरह मानता है, तुम्हें बताओ वो अपनी बहन की कुर्बानी कैसे दे पाएगा। उस रात उसके ग्रैंडफादर उसे कह रहे थे ब्रेकिंग रेनफॉल का दिन है, जब भी ऐसा दिन बारिश होती है हमें किसी अपने को गुड बाय करना पड़ता है। एंड अगली सुबह भारी दिल लेके सुंग अपनी कॉ को स्लॉटर्ड होने के लिए भेज देता है। सुंग उसे प्रॉमिस करता है मैं तुम्हारा सैक्रिफाइस वेस्ट होने नहीं दूंगा और ये कॉम्पिटिशन जीत कर दिखाऊंगा। जब खाने की टेस्टिंग की बारी आती है सबको टाइम स्लॉट के अंदर ही फ्लैश से मीट निकाल के अलग करना था, जिसमें कई सर्कमस्टांसेस पे जज किया जाता है। एंड अब रिजल्ट की बारी, पोंगजू नंबर 1 पे आता है विद 670 पॉइंट्स और सुंग नंबर 2 पे आता है विद 580 पॉइंट्स, यानी इसमें पोंगजू आगे निकल गया। वो सुंग से कहता है तुम्हें मेरा ऑफर पहले ही मान लेना चाहिए था एंड मेरे साथ आ जाना चाहिए था। बट अभी खाने की टेस्टिंग की बारी बाकी थी, टेस्टिंग टीम का ध्यान जाता है पोंगजू के बी पर कि काउ की स्किन पे हैमरेज था, जैसे काउ की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है। पोंगजू ने अपने काउ के साथ जबरदस्ती की एंड उसे मारा भी जिससे स्किन हैमरेज का कॉज हुआ, इसी वजह से पोंगजू को राउंड से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, यानी इस राउंड का विनर था सुंग। मीनवाइल उस जापानीज नेशनल कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइजर मीडिया के साथ रॉयल शेफ के ग्रेव के पास आती है एंड उनसे पूछा जाता है क्या कि रॉयल शेफ की डेथ कैसे हुई। वो बताते हैं कि रॉयल शेफ के 2 एप्रेंटाइज थे जिसमें से एक ने उनके खाने में जहर मिला दिया। जिनसू इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकलवाने वुनाम जंग एंड वहाँ काम करने वाले ओल्ड मैन उसे देखते ही अंदर भाग जाते हैं, पर जब वो अंदर आकर उनसे इस असली किलर का राज पूछती है तो उसे पता चलता है कि रॉयल शेफ का खून सुंग के ग्रैंडफादर ने किया था। एंड तभी ये बात पोंगजू भी सुन लेता है। अगले दिन होता है फाइनल राउंड, ऑडियंस को बताया जाता है कि कैसे किंग चोसुंग की लड़ाई हार जाने के बाद वो बहुत उदास थे एंड उन्होंने खाना ही छोड़ दिया था। तब रॉयल शेफ ने उनके लिए खास सूप बनाया जिसे खा के उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्हें बस इतना पता था कि रॉयल शेफ सीक्रेटली वो सूप सीक्रेट पास ऑन किया है, इसलिए वो फाइनल राउंड यही है। जो असली सक्सेसर होगा वो जरूर एग्जैक्टली वही सूप बना पाएगा। बट कॉम्पिटिशन शुरू होने से पहले पोंगजू बैक ऑफ कर देता है एंड वो कहता है जिसके ग्रैंडफादर ने रॉयल शेफ का खून किया मैं उसके साथ कम्पीट नहीं करना चाहता, ये मेरा रॉयल शेफ का अपमान होगा। सभी सुन के हैरान रह जाते हैं। तभी सुन कहता है याद है जब मुझे रॉयल किचन से निकाल दिया गया था तब मैं बहुत रोया था, और तब आपने मेरे लिए जो सूप बनाया था वो मैं आज तक नहीं भूला, आज मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे रिब्स खाने हैं। सुंग उन्हें रात के खाने में रिब्स देता है पर वो फिर नहीं खाते, ये बोल कर कि रिब्स नहीं है मैंने रिब्स खाता, ऐसा वो ऑलमोस्ट हर खाने के साथ करने लगे थे। एंड अगली सुबह वो उठता है तो वो नोटिस करता है कि उसके ग्रैंडफादर वही सूप बना रहे थे। फिर वो कमरे में उनका हानवा कॉस्ट्यूम टंगा हुआ दिखता है, पर जब वो दूसरी बार अपने ग्रैंडफादर की तरफ दिखता है तो उनकी मौत हो चुकी थी। डेथ सेरेमनी में जब सुंग अपने दोस्तों को सूप के कुछ इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए कहता है तभी वो रियलाइज कर पाता है कि उसके ग्रैंडफादर सच में पैराशूट्स की बात कर रहे थे, उसकी जगह दूसरे खानों का नाम ले रहे थे। अब सुंग असली सूप का राज समझ गया था एंड वही पोंगजू वही एक हफ्ते से कोशिश कर रहा था पर उससे वैसा सूप बनता ही नहीं। लेकिन तभी उसे एक सीक्रेट मिलता है एक लेटर में लिखा हुआ जिसमें कहा जाता है जापानीज फ्लेवर्स का कोरियन फूड में फ्यूजन
बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। वही कहानी में पता चलता है जो रियल रॉयल शेफ थे जिन्होंने अपने हाथ की कुर्बानी दे दी थी, उन्होंने वो नाम जम छोड़ दिया था एंड दूसरे बिट्रेड ने उनकी जगह ले ली थी। इसका मतलब था कि सुंग के एंसेस्टर ही रॉयल शेफ थे एंड रॉयल शेफ बनने का असली वारिस सुंग ही है एंड ये बात खुद सुंग को भी पता थी। फाइनल राउंड का दिन आ जाता है एंड दोनों कॉम्पिटिटर्स अपनी अपनी डिश प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले बाउंजू की डिश प्रेजेंट की जाती है एंड देन सुंग की भी। उसकी प्लेटिंग बहुत ही मिनिमल थी एंड वो कहता है ये एवरीडे सूप की तरह ही है जो मेरे ग्रैंडफादर का आखिरी तोहफा था मेरे लिए। जब जापानीज में ये सूप टेस्ट करते हैं तो उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। उसे रियलाइज होता है कि आखिर क्यों किंग इसे टेस्ट करके रोए होंगे एंड तब क्या था संग ये कॉम्पिटिशन जीत जाता है, उसे रॉयल शेफ के नाइफ से ऑनर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बोंगजू ये सब बस देखता रह जाता है। एंड में फाइनल रेस्टोरेंट संग को अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस करवाती है और उनकी बेटी और कहीं नहीं बल्कि चिंसू थी। और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। रियली होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।